हेलो वेलकम्स माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस हिस्ट्री चैनल। तो आज आपके सामने में फिजिक्स का सेकंड डे लेकर आ गया हूँ, मतलब सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। फिजिक्स को मैंने बेसिक्स, वो क्या कहते हैं कि मैंने एकदम शुरू से स्टार्ट किया है, ठीक है, मतलब कि बेसिक से एडवांस तक चलेंगे और उन सभी छोटी छोटी चीज़ों को बताएंगे जो कि आपका एग्जाम में आता है, चाहे आप IIT नीट या आप अदर कोई कंपटीशन रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं तो उनमें भी आपको ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन मिलेंगे इसी बेस पर मिलेंगे आपको। और यही छोटी चीज़ें आपका बड़े एडवांस लेवल पर जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं ना तो उनमें आपको फंसा देता है, क्योंकि छोटी चीज़ें अगर आपका नहीं आएगा तो बड़ी चीज़ें आपका नहीं आ सकता है। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि आपको छोटी चीज़ें क्यों सीखें। पहला पार्ट इसका मैं डाला हूँ, वो देख सकते हैं, इसमें आज आपका दूसरा दिन है, ठीक है, सेकंड पार्ट है। तो आज सेकंड पार्ट को हम यहाँ पर डिस्कशन करने हैं फिजिक्स को बेसिक से, जो सभी के लिए है, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 12th में हो, किसी भी क्लास में हो या किसी कंपटीशन रिलेटेड हो। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, जो भी व्यूअर्स हैं हमारे जरूर देखिएगा। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, मस्ट करना, चाहे जो भी बुरा भरा जो भी कह सकें वो कह देना। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ कि आप मेरे सेकेंड चैनल की लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है वहाँ जा करके चैनल को सब्सक्राइब करिए या सर्च कर लेना मास्टर जी मोबाइल टेक, इसको आप सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब करें, मोबाइल से रिलेटेड वीडियो डाल देंगे। यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान की ये जो मात्रक क्या है, मात्रक राशियाँ क्या हैं। अब यहाँ पर हम पहुँचे थे भौतिक राशियाँ, और भौतिक राशियों में मूल इकाई जो होती है, आपकी जो मूल इकाई होती है, इसको मैंने डिस्कशन किया था मूल इकाई को। मूल इकाई आपकी कितनी मूल राशियाँ हैं, इनको हमने डिस्कशन आपका किया था, ठीक है। तो आपकी 7 मूल राशियां हो जाती हैं, ये 7 मूल राशियां हो जाती हैं और 2 सहायक राशियां हो जाती हैं। 7 मूल राशियां हो जाती हैं, 2 सहायक राशियां हो जाती हैं, 20 आपका व्युत्पन्न राशियां हो जाती हैं। इस तरीके से आपका इतनी राशियां हो जाती हैं। तो यहाँ पर 7 देखिए, लंबाई, समय, द्रव्यमान, तापक्रम, ज्योत, तीव्रता, विद्युत धारा और परिणाम का पदार्थ का परिणाम। तो हम यहाँ लंबाई से स्टार्ट करेंगे, मतलब पहला हम ये मूल राशि का पहला राशि हम लेकर के चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लंबाई को, किसको, लंबाई को। तो आज हम लंबाई के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन करेंगे, आखिर लंबाई क्या है, लंबाई क्या चीज़ है, लंबाई क्यों, कैसे, सारी चीज़ें इसके बारे में हम लंबाई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे मीटर, किलोग्राम और इसमें पद्धति में आपका होता है मीटर किलोग्राम और सेकंड पद्धति, मतलब MKS पद्धति में, MKS पद्धति में आपको लंबाई का जो मात्रक होता है, लंबाई का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक मीटर होता है, ठीक है। और लंबाई क्या चीज़ होती है, लंबाई एक ऐसी बिंदु होती है, कुल मिला करके देखा जाए कि आपका यहाँ कोई एक बिंदु है वो और उधर से कोई दूसरा बिंदु उस छोर पर हो तो आपकी वहाँ की उसकी लंबाई हो जाएगी। लंबाई आपकी कभी कभी अधिक से अधिक आपका वस्तुओं का मापा जा सकता है, या आपका किसी वस्तु, आपका ज़मीन है या कोई भी है, ये भी आपकी, इसको भी माप सकते हैं। तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक को मापने के लिए हम लंबाई, इसको हम बोल देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो लंबाई ये चीज़ हो जाती है। और एक होता है दूरी, देखिए लंबाई में ये फ़र्क है, एक सिरे से दूसरे सिरे, मतलब इस सेम ही वस्तु को, एक ही वस्तु को जब हम एक सिरे से दूसरे सिरे तक मापते हैं तो लंबाई हमें बोली जाती है। लेकिन अगर हम ये बात कहें कि सिरे की बात ना हो, हम यहाँ से चाहे एक ही कुछ ही दूर पर जाएं या बहुत दूर जाएं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएं, उसको दूरी बोल देते हैं, उसको दूरी बोल देते हैं। लेकिन अगर एक ही वस्तु को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अगर उसको हम एक मात्रक के रूप में अगर उसको नाम दें तो हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई। तो चलिए हम लंबाई राशि को यूज करते हैं और उसका मात्रक क्या होता है, मीटर, इन्हें हम उसको मीटर से मापेंगे। मतलब ये एक डंडा है आपका, तो उसको मीटर से मापेंगे, या क्या मीटर ही है, मीटर ही तो है नहीं, बहुत है, मिलीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, बहुत सारे मीटर हैं, उन सब का यूजेज यहाँ पर करेंगे और समझेंगे आखिर क्या होते हैं हेक्टोमीटर, डेकामीटर, सेंटीमीटर, कैसे परिवर्तन होगा सेंटीमीटर से किलोमीटर, सब चीज़ यहाँ बताएंगे। आज हम लंबाई को लेकर चलेंगे, उसके बाद समय को, द्रव्यमान को, तापक्रम को, एक एक पॉइंट हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। आपको जरूर पढ़ना चाहिए, एक बात अगर आप पढ़ लेते हैं तो आगे चल के कंपटीशन में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है।
लंबाई मीटर में हम बात कर रहे थे। तो मीटर, आपको पता है कि मीटर के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो बहुत सारे मीटर के मतलब लंबाई के मात्रक होते हैं, जैसे पारसेक होता है और आपका प्रकाश वर्ष होता है। मतलब प्रकाश वर्ष क्या है, सब पारसेक प्रकाश वर्ष से हैं, बहुत बड़ी लंबाई वाले मापक हैं। कितनी लंबाई वाले, बड़ी लंबाई, मतलब यहाँ से अगर चंद्रमा की दूरी मापने हो तो आपका प्रकाश वर्ष पारसेक ये सब जो हो जाते हैं ना, बड़ी बड़ी दूरियों को मापने के लिए आपका होता है। तो ठीक है, और इस तरीके से आपका मील भी होता है, आपका किलोमीटर भी होता है, ये सारी चीज़ें आपका होता है, फैदम होता है आपका, प्लेट, मतलब बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इसको हम ध्यान में रख करके हम बताएंगे। और कोई आपकी मिश्र धातु की एक बनी थी, उसको हम एक मतलब उसका हम एक पिंड से दूसरे पिंड मतलब उसी सिरे के बीच की जो दूरी थी उसी को हम मीटर कहते हैं, उसको हम मीटर कहते थे। मतलब एक ये पद्धति थी, मतलब एक जगह की बात है प्लेटिनम। तो हम जो मीटर की असलियत मापी गई थी छड़ी से, जो छड़ी मापी गई थी ठीक है, वो छड़ जो है, जो भी मीटर की क्लियर माप बताई थी कि ये छड़ आपका इतना मीटर है, वो छड़ आपके भी आपका अंतर्राष्ट्रीय मापतौल पर वो कार्यालय में रखी हुई है। वो कार्यालय में रखी है कहाँ पर, पेरिस के कार्यालय में, जो पहली बार मतलब जो जिसका असलियत मीटर में माप कोड किया गया था उसको भी कार्यालय में रखी गई है, जिससे कि आपका यूजेज उसको किया जाए। ठीक है, अब हम सात अगर मूल राशियों में देखते हैं तो लंबाई को लेकर चलते हैं। तो हम सबसे पहले लंबाई में आपका जैसे देख लीजिए, आपका कभी कभी क्या आ जाता है, किलोमीटर आ जाता है। क्या आ जाता है, किलोमीटर आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। किलोमीटर में आपका 1000 मीटर हो जाता है, कितना हो जाता है, 1000 मीटर हो जाता है। किलोमीटर में आपका 1000 मीटर आ जाता है। और उसके बाद जो यूज होने वाली यूनिट है आपका, वो मीटर है। क्या है, मीटर है, ये आपका मीटर है। तो मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है, कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेमी होता है, मतलब 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेमी को हम यहाँ पर रखेंगे, ये 1 मीटर 1 किलोमीटर में। अब 1 सेंटीमीटर में देखते हैं, 1 सेंटीमीटर में, ठीक है, तो आपका आ जाएगा आपका मिलीमीटर। तो मिलीमीटर की चर्चा करते हैं, तो मिलीमीटर आपका देखते हैं, तो 1 सेंटीमीटर के बाद आपका मिलीमीटर जो आएगा वो भी आपका गैप होगा, कितना आपका क्या बोलते हैं उसको, इसके बाद मिलीमीटर सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर के बाद आपका मिलीमीटर आता है। तो दस मिलीमीटर ये वाला, ठीक है, धीरे धीरे कि इसको हम समझेंगे। तो इसके बीच में आपका मतलब इन सब आपका हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर ये सब आते हैं, तो उनको हम नहीं समझते, हम केवल मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर इसको समझते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर आपका 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होता है, तो इसका मतलब उसमें सेंटीमीटर कितना होगा, 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितना होगा। तो आप 1000 में और 100 का दोनों को गुणा कर देंगे तो आपको उतना सेंटीमीटर निकल जाएगा। और अगर आप पूछते हैं 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो आप इसका गुणा कर देंगे 100 में, तो आपका मिलीमीटर निकल जाएगा। एक बात हम ये ध्यान रखते हैं, बड़ी यूनिट जो होती है, यहाँ पर बड़ी यूनिट मतलब मापक की बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की बात चर्चा करेंगे तो कैसा होगा। छोटी यूनिट ये बड़ी से छोटी में अगर हम जाते हैं तो हमें क्या करना है, गुणा करना है, और छोटी से बड़ी में आते हैं तो हमें क्या करना है, भाग करना है। किससे भाग करना है और किससे गुणा करना है, ये जितने आपस में रिलेटिव होते हैं उन्हीं से हम गुणा और भाग करेंगे। जैसे देखिए 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर यही चीज़ पूछा जाए कि 2 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होंगे, तो हमें तो पहले क्लियर करना कि 1 किलोमीटर वाला कितना था, तो 2 को तो लिखना, जितना पूछा जाए उसको लिखिए, और आपस में रिलेटिव क्या है, गुणा करना है, भागिए चेक कर लेना। हमें देखना है छोटी से बड़ी जा रही है, बड़ी छोटी जा रही है, तो हमें बोला गया है
आपका यहाँ पर किलोमीटर से केएम से आपको एम पर पहुँचना है। किस पर पहुँचना है? एम पर पहुँचना है, मतलब बड़ी से छोटी में जाना है। बड़ी से छोटी में जाने के लिए हमें गुणा करना है, तो गुणा हमने लगा दिया। अब गुणा किसका लगाएं ये ध्यान देना है। तो आपस में रिलेशन कितने का है? हज़ार का, मतलब हम हज़ार को यहाँ रख देते हैं, तो टोटल हो जाएगा 2000, मतलब 2000 मीटर ये हो जाएगा। इसी बात को हम चर्चा करते हुए हम कहते हैं कि आपका 15 मीटर है, कितना है? 15 मीटर है, और इसको आपको बदलना है सेंटीमीटर में, कितने सेंटीमीटर में, ठीक है। तो आप 15 तो पहले लिख ही लीजिए, 15 लिख लिए। अब देखते हैं मीटर और सेंटीमीटर में गैपिंग कितने की होती है, मतलब कितने का आपस में रिलेटिव होता है। तो मीटर और सेंटीमीटर का रिलेटिव आपका 100 का होता है, तो आप 100 से केवल गुणा कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि हमें यह भी पता चल रहा है वो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट ज्यादा, जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट ज्यादा आपका क्या होता है? गुणा होता है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा ये 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा 15 मीटर में, ठीक है। ये बात भी समझ लिए। कभी कभी डायरेक्ट आपका पूछा जा सकता है कि आपका कितना इसमें, मान लीजिए 8 मीटर है, और 8 मीटर में कितना मिलीमीटर होगा, कितना मिलीमीटर होगा ये दिखाना है। तो आप आपको क्या करना है, पहले नंबर तो 8 आपको लिख ही देना है, उसके बाद आपको देखना है कि हम मिलीमीटर पहुंचेंगे कैसे। मिलीमीटर पहुंचने के लिए हमें पहले सेंटीमीटर ज्ञात करना होगा। तो हम क्या करते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, पहले इसको गुणा कर लिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर तक तो पहुंच गए, सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाने के लिए हमें 10 का और गुणा करना है, तो हम 10 का और गुणा कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये 8 लिख दीजिए, बाकी 0 0 0 3 0 लगा दीजिए, ये गुणा भी हो जाएगा, क्योंकि इसका हज़ार और इसका गुणा भाग कोई कठिन नहीं होता। इनमें भी जो जो हज़ार का एक 100 का गुणा भाग है ये कठिन नहीं होता है, इसको हम बता रहे हैं। आप केवल 0 लगा दीजिए, संख्या संख्या का गुणा करने के बाद 0 लगा दीजिए बस। लेकिन आपका अगर यही चीज़ आपका इस तरीके से आ जाए कि मान लो उल्टा आ जाता है इस तरीके से कि आपका 2 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 2 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप तो 2 तो पहले लिखिए ही, उसके बाद आप ये देखिए पहले आपका छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहा, बड़ी यूनिट छोटी, हम देख रहे हैं छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट, मतलब सेंटीमीटर से मीटर में जा रहा है, सेंटीमीटर से मीटर में जा रहा है, ठीक है। सेंटीमीटर को सीएम बोलेंगे और मीटर को एम बोलेंगे, ध्यान रखिएगा किलोमीटर को केएम बोलेंगे। तो हम बड़ी इकाई से छोटी इकाई में आ रहा है, तो जब बड़ी इकाई से छोटी इकाई में आ रहा है तो क्या करेंगे, हमें बड़ी इकाई से छोटी इकाई में आ रहा है नहीं, छोटी से बड़ी में जा रहा है, तो छोटी से बड़ी में जाने के लिए हमें भाग करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, भाग कर देंगे, चाहे इस तरीके से आप भाग कर देंगे। कितने से भाग करना है ये देखना है, सेंटीमीटर से और मीटर में, सेंटीमीटर और मीटर में रिलेटिव होता है 100, तो इसका मतलब 100 का भाग देंगे। सीधी बात हो गई कि 2/100 होगा, 2/100 होगा, और 100 का भाग करने की आपको प्रॉब्लम नहीं है। क्या करेंगे, 10 का मतलब 2 और 10 का मतलब यहाँ पर कुछ संख्या नहीं है, जितने 0 हों उतनी संख्या हमें लेना है, तब दशमलव अंदर लगा देना है। 10 का मतलब 1 2, और 10 का मतलब 0, और दशमलव यहाँ लगा दिए, 0 ऐसे ही लगा दिए, तो ये आपका इतना मीटर हो जाएगा, 0.02 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसे चलती जाएगी। और इसमें माप जो मैंने बोला पारसे खागोल आपका जो और यूनिट होते हैं उन सब का, ठीक है, उसका भी होता है आपका, जैसे एक पारसेक होता है, देखिए एक यहाँ पर ब्लैक्स लिख देते हैं, 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है, इतना प्रकाश वर्ष होता है। और अगर मीटर में बात की जाए तो 3.08 × 10^-16 मीटर हो जाएगा, ये पारसेक में हो जाता है। अब यही चीज़ अगर एक प्रकाश वर्ष बोला जाए, एक प्रकाश वर्ष, ये ज़्यादा ज़रूरी है प्रकाश वर्ष वाला, एक प्रकाश वर्ष बराबर मतलब 9.46 × 10^15 मीटर ये हो गया, तो ये आपका मीटर में हो गया है। और अगर हम 1 मील बराबर पूछते हैं, 1 मील बराबर, तो हमारा 1 मील बराबर कितना हो जाएगा, 1 मील बराबर देखेंगे तो हमारा 1.6 किलोमीटर किमी इतना हो जाएगा, 1 मील बराबर भी मैंने लिख दिया, ठीक है। और कहीं कहीं पर आपका फर्मी यूज होता है, ठीक है, क्या होता है फर्मी, तो 1 फर्मी बराबर आपका होता है, 1 फर्मी बराबर आपका होता है क्या,
वन फर्मी बराबर होता है 10^-15 मीटर, ठीक है। और एक और आपका यूज होता है एक एंगस्ट्रम बराबर इसको देखते हैं तो 10^-10 मीटर, ठीक है। इसको अलग से आप और याद कर लीजिएगा, ये सारी लंबाइयाँ की यूनिट हैं और इनको यूज करेंगे, ठीक है। शायद आपको कुछ चीज़ें पता चल गई हों हम कहने क्या वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से लंबाई को मैंने पूरी तरीके से डिस्कशन कर दिया। नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे समय से रिलेटेड चीज़ों को, समय को, जो कि वो भी बहुत बड़ा पार्ट है, तो इस समय को बताएंगे। उसके बाद द्रव्यमान वगैरह जो भी बड़े बड़े चैप्टर मतलब इसमें टॉपिक हैं इसको हम डिटेल पर्सनल बता देंगे, क्योंकि आपका यही सवाल में काम है, यही न्यूमेरिकल में आएगा, यही आपका थियरी में भी काम करेगा, कहाँ पर कैसे मात्रक चेंज होते हैं, कैसे आपका लगाए जाते हैं और किस में कितना वैल्यू होती है, उसको हम कैसे पुट करके रख करके लगाएंगे अपने सवाल को, ठीक है। तो ये था आपका वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। और क्या करना है आपको, कमेंट कर देना है, लाइक शेयर भी कर देना है, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है। और तो आपको सेकंड चैनल की लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन है ना वहाँ पर दिख रही होगी, वहाँ पर जाएंगे तो आपको मिलेगा मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल, उसको क्या करिए सब्सक्राइब करके वहाँ जुड़ जाइए, आपको मोबाइल से रिलेटेड या आपका कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो हम आपको देते रहेंगे, ओके, ठीक है। चले ओके, जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपका कोई दिक्कत हो तो। बाकी तो आपको समझते हैं, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करिए, वहाँ पर हमको स्क्रीनशॉट दे देंगे और व्हाट्सएप पर हमें चैट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगी।